नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश में हालात बहुत खराब हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। अस्पतालों में बेड खाली नहीं है और लोग चंद सांसों के लिए तड़प रहे हैं। हालात तो ये हो गए हैं कि अब लाशें रखने तक की और उन्हें जलाने तक की जगह नहीं बची है। कोरोना की चपेट में आकर सैकड़ों परिवार उजड़ गए हैं। कहीं कहीं से तो ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं जहां पर कुल का दीपक तक नहीं बचा है। इन सब के बीच ऐसी खबरें आ रही हैं जो डरा देने वाली हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक ऐसी खबर सामने आई है जो किसी के भी रोंगटे खड़ी कर सकती है। उज्जैन में कोरोना संक्रमित महिला को संभालने के लिए उनकी दो बेटियां ससुराल से आ गईं, तो कोरोना ने उन्हें भी घेर लिया और हालात तो ऐसे हो गए कि महज 5 दिनों में मां के साथ ही दोनों बेटियां भी कोरोना का शिकार हो गई और उनकी मौत हो गई। अब इस परिवार में सिर्फ 22 साल का एक लड़का बचा है। वो भी कोरोना पॉजिटिव हुआ था, लेकिन समय रहते वो ठीक हो गया। उज्जैन के महामृत्युंजय द्वार के पास वृंदावन धाम कॉलोनी में संध्या जोशी घर कोरोना काल बनकर ऐसा आया कि एक के बाद एक 5 दिनों के अंदर ही मां और उनकी दो बेटियों की मौत हो गई। तीनों एक दूसरे से कोरोना संक्रमित हुई। 29 अप्रैल को मां की, उसके बाद अगले ही दिन 20 अप्रैल को बड़ी बेटी की और उसके 3 दिन बाद 23 अप्रैल को छोटी बेटी की मौत कोरोना से हो गई। उज्जैन के पीएमईबी से रिटायर्ड कर्मचारी रंजन जोशी की मौत पहले ही हो चुकी थी। उनकी 55 साल की पत्नी संध्या जोशी के वृंदावन धाम स्थित घर पर उनकी बहन शाजापुर से आई हुई थी, जिन्हें गले में खराश और सर्दी थी। उनके जाने के बाद संध्या को भी सर्दी खांसी होने लगी, जिसके बाद उन्हें आडी गाड़ी कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया। मां की हालत बिगड़ते देख और अपने भाई को उज्जैन में अकेला पाकर संध्या की दोनों बेटियां 35 साल की श्वेता नागर और 34 साल की नम्रता मेहता अपने अपने ससुराल इंदौर से मां की सेवा करने के लिए उज्जैन आ गई। इसके बाद मां की सेवा करने में श्वेता कब कोरोना पॉजिटिव हो गई पता ही नहीं चला। इस बीच तेज नगर अस्पताल में श्वेता को भर्ती कराया गया, लेकिन 29 अप्रैल को संध्या जोशी की आडी गाड़ी में मौत हुई। इसके बाद अगले ही दिन 20 अप्रैल को श्वेता की भी तबीयत बिगड़ी और उज्जैन में ही उसकी मौत हो गई। संध्या की छोटी बेटी नम्रता मेहता ने भी 29 अप्रैल को जांच करवाई तो रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन नम्रता को सर्दी खांसी बनी हुई थी। 19 और 20 अप्रैल को घर में हुई दो मौतों के बाद और नम्रता की रिपोर्ट नेगेटिव की जानकारी के बाद उसके पति उसे इंदौर से उज्जैन लेने आ गए। इंदौर पहुंचते ही नम्रता को बुखार आने लगा, जिसके बाद 22 अप्रैल को इंदौर में आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया तो उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई और उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जिसके बाद उन्हें इंदौर में ही निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर 23 अप्रैल को नम्रता की भी कोरोना ने ही जान ले ली। वृंदावन धाम स्थित घर में अब अपनी माँ और दो बहनों को खो चुका 22 साल का बेटा अकेला बचा है। उसकी रिपोर्ट तो निगेटिव है, लेकिन कोरोना का खतरा भी बना हुआ है। यह खबर वाकई में डरा देने वाली है, इसलिए घर पर रहें और जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें। इस खबर में इतना ही। खबर को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज एमपी। धन्यवाद।